Hey star, एक बार चैट बॉक्स में बता देना आवाज आ रही है मैं लाइव है ना ला? एक बार चैट बॉक्स बता फटाफट बताना मुझे लाइव थैंक यू लेट यस कैमरे का इश्यू था आपके लिए सॉल्व कर रहे थे बट लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक अब फटाफट पहले फ़टाफट मुझे एक बार चैट बॉक्स में आप बताओ कितने लोगों ने इस चीज़ को कभी फील किया है ऑनेस्टली मुझे इसी टॉपिक पर बात ही करनी है और कोई मतलब कहने को तो आप वर्ड मोटिवेशन यूज़ करते हैं बट मैं बार बार कहता हूँ कि पूरी कोशिश ये होती है कि आपका माइंडसेट बनाना मोटिवेशन आपको पुश करके लेकर के आगे नहीं जा सकता माइंडसेट जो है वो आपको एक्चुअली मोमेंटम देने का काम करता है तो पहले एक बार ईमानदारी से बताना कि कभी ये फील किया है कि यू एक्चुअली डिजर्व बेटर मैं एक शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करने वाला हूँ और वो शॉर्ट स्टोरी जो थोड़ा स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल है आप इस बंदे को पहचानते हो पहचानते हो ना तो जब इस बंदे की फोटो आती है सारे लोग फटाफट नाम तो इसका बोल ही डालते बोल्ट उसेन बोल्ट जिस तरह से बॉन्ड जेम्स बॉन्ड होता है वैसे बोल्ट उसैन बोल्ट होता है वर्ल्ड फास्टेस्ट पर्सन बट लोग जानते हैं कि किस तरह से ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है बट लोगों को बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता कि किस तरह से इस बंदे ने जब शुरुआत की थी पंद्रह साल की उम्र में जब दौड़ना शुरू किया था तो एक रीजनल कॉम्पिटिशन्स में सिल्वर और गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीता लेकिन उसके बाद दुनिया का जिंदगी का उसके सबसे बड़ा सेटबैक उसको मिला था नी इंजरी के रूप में जो घुटने की चोट थी उसकी जो इंजरी थी उसका रिजल्ट यह हुआ था कि 2004 के ओलंपिक्स में 2004 के ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं जीता था इसने अभी के टाइम पर आप किसी से एक बार पूछ करके देखिए कोई यकीन भी नहीं करेगा कि ऐसा भी समय था कि उसे बोल्ट ने जो है वो कोई मेडल नहीं जीता था ओलंपिक में ऐसा नहीं कि कोई गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्स कोई मेडल नहीं जीता था और लोगों ने उसके बाद एडवाइस क्या किया था इसे लोगों ने एडवाइस ये किया कि देख जिंदगी की इंपॉर्टेंस हेल्थ की इंपॉर्टेंस ज्यादा है यार ये ओलंपिक में दौड़ना तो अब हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने आप को अपनी ज़िंदगी को देखना चाहिए नहीं तो बीमारी और बढ़ सकती है और भी ज़्यादा इंजरी हो सकती है बट इस बंदे ने उस 2004 के ओलंपिक से लेकर के अगले ओलंपिक तक में बस एक ही बात बार बार दोहराई और वो बात थी कि आई डिज़र्व बेटर डिजर्व बेटर सोते जागते सुबह शाम हर वक्त बस उस गोल को अचीव करने की उस ड्रीम को पूरा करने की कोशिश जिसको उसने पंद्रह साल की उम्र से देखा था रिजल्ट इस मंत्र का रिजल्ट ये कि 2004 में जहां पर के कोई मेडल नहीं था वहीं पर 2008 में 2008 में जबकि सेकंड उसके बाद का ओलंपिक हुआ था 2008 में 100 मीटर की दौड़ में भी गोल्ड मेडल और 200 मीटर के दौड़ में भी गोल्ड मेडल और 300 मीटर की दौड़ में भी गोल्ड मेडल मतलब 2004 से 2008 के बीच में मतलब लोग तो 2004 वाली वाले इतिहास को नहीं जानते लोग सिर्फ और सिर्फ उस सक्सेस को जानते हैं जो 2008 में इसे मिली और 2008 में 100 मीटर की दौड़ हो चाहे 200 मीटर की दौड़ हो चाहे 300 मीटर की दौड़ हो सब में गोल्ड मेडल थे और लोग इस इनका इतिहास यहाँ से जानते हैं यहां से जानते हैं इसके पीछे की कहानी कि लोगों ने इसे कैसे डीमोटिवेट किया टाइम टू टाइम किस तरह से लोगों ने बोला पूरी कोशिश की कि ये गिव अप करे और अपनी जिंदगी पर ध्यान दे ड्रीम से ज़्यादा अपनी लाइफ है लाइफ को देखो हेल्थ को देखो बीमारी कहीं बढ़ ना जाए और ज़्यादा पता नहीं कितनी तरह की निगेटिविटी लोगों ने दी बट ये बंदा लगा रहा सिर्फ और सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए इस सोच के साथ कि वो डिजर्व करता है बेटर खैर ये तो जो कहानी है ये तो आई टी से हट करके है ये तो रियल लाइफ एग्जाम्पल है एक अब कोई आईटीजी का एग्जाम्पल भी आप सोच रहे होगे कि मैं आपको दू देता हूं बट उससे पहले इस बंदे के अपने कोर्ट्स देखना और अपने इस बंदे के जो लर्निंग्स है लाइफ के वो जरूर कभी पढ़ना खुद को पुश करने के लिए खुद को सिखाने के लिए कुछ इट्स ऑलवेज अ वेकअप कॉल टू गेट बीटेन वेकअप कॉल तो वेक तभी तो आती वेन यू गेट बीटेन ये जिंदगी का जिंदगी की बहुत कड़वी सच्चाई है भले ही हमें वो बचपन से ऐसे सिखाया नहीं जाता है बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम और भी अच्छा तुम जो है दूसरों से और अच्छा करो दूसरों से और अच्छा करो खुद से और बेटर करो ये कम सिखाया जाता है बट आप हर उस बंदे की जिंदगी से सीखने वाले हैं कुछ ऐसा ही लेसन जिस बंदे को आप किसी आइकॉनिक इमेज के रूप में देखते हैं किसी आइकन के रूप में देखते हैं सबकी जिंदगी से आप ऑलमोस्ट यही चीज सीखने वाले हैं कि उस बंदे ने कहीं ना कहीं खुद को बताया था ई डिजर्व बेटर एंड जो मेरा फेवरेट कोटेशन है देर आर बेटर स्टार्टर्स देन मी बट आई एम ए स्ट्रॉन्ग फिनिशर तो ओसन बोल्ड की कहानी बहुत फेमस है कि जब भी रेस स्टार्ट होती है तो ये धीमा स्टार्ट करते हैं लेकिन सबसे बेस्ट फिनिशर यही होते हैं मीनिंग ये कि फर्क नहीं पड़ता कि जब स्टार्ट हुई रेस तो कौन आगे भाग गया फिनिश तो मैं ही सही करूंगा, फिनिश तो मैं ही लाजवाब करूंगा तो ये जो स्टोरी थी यार हुसैन बोल्ट की ये एक्चुअली तुम्हारा माइंडसेट बनाने के लिए थी कि देखो समय ऐसा आता है ना ये जो समय हो गया जई मेन का इस समय पर क्या होता है तुम्हारे अपने मैसेजेस का रेफरेंस लेकर के ही मैं बताऊं जो तुमने टेलीग्राम पर भेजे हुए हैं बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जिसमें कि वो बातें तुम लिखते हो जो शायद पहले बारह तेरह सालों में भी नहीं सुनी मैंने ऐसी ऐसी बातें मतलब नए नए कंडीशंस, नए नए सिचुएशन तुम्हारी लाइफ की सुनने को मिलती है बट मैं बार बार ये कहूँगा कि देखो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ गुरु मंत्र होते हैं कुछ ब्रह्मास्त्र होते हैं जिनको आगे लेकर के बढ़ा जाता है आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है आई डिजर्व बेटर वो सन बोल्ट की बात थी अब तुम्हारी बात कर लेते हैं एक्जैक्टली exactly तुम्हारी बात आई डी जेई से रिलेटेड बात तो अभी जस्ट कुछ दिनों पहले की छोटी सी स्टोरी है तुमको सुना रहा हूं सुनना और मुझको रिप्लाई करना अब जेई ओरिएंटेड ही बातें करते हैं ये आई डिजर्व बेटर वाली थाउट जो है वो कैसे तुम्हें हेल्प करती है जेई मेन जे एडवांस रिलेटेड ही बातें कर लेते हैं सुनना ध्यान से अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट बैंगलोर में यहां काम करने वाला गोल्डमैन सैक्स में अब गोल्डमैन सैक्स की स्पेलिंग मैंने सही लिखी होगी आई होप गोल्डमैन सैक्स में अराउंड फोर्टी लाख पर एनएम के पैकेज पे काम करने वाले एक स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ मैं जिसने काफी पहले पढ़ाई की थी ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगता है कि दो तीन साल हो गए जॉब करते हुए अभी तो अभी जस्ट मुझे लगता है कि दो महीने ढाई महीने पहले की बात है कि जब उसने आ, जब उसके साथ मिलना हुआ तो आ, काफी सारे डिस्कशन हुए जरा तुम तो अपनी तरफ से सोचना मैं थोड़ा ग्लिम्स दे रहा हूँ बैकग्राउंड बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम जरा मुझको बताना ये फोर्टी एल वाला स्टूडेंट किस तरह का स्टूडेंट रहा होगा अंडर थाउजेंड वाला अंडर 500 वाला अंडर हंड्रेड वाला किस तरह का स्टूडेंट रहा होगा या तुमको लगता है कि कोई पीछे की रैंक भी तुम जोड़ सकते हो थाउजेंड से पीछे की रैंक कुछ जोड़ सकते हो तुम तो अपनी मर्जी से गोल्डमैन सैक्स में इस लेवल पर जो अभी के टाइम पर रियलिटी में बताऊं इस समय पर कंट्री में सबसे बेहतरीन पैकेजेस में से एक है आप जरा एक रफ गैस करो आप लोअर रैंक मतलब कुछ भी गैस कर सकते हो करो आप तो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हारे वो ड्रॉप करने वाले पॉइंट और जो तुम्हारा जो सोशल इश्यू और जो सोशल मिथ्स होते हैं ना उसको चुटकी में बर्स्ट कर दूंगा और देखो सेशन का पर्पस यही है कि तुम्हें सिखा पाऊं सो so तुम बाद में किसी और को सिखा पाओ जो जिंदगी का ही सबसे बड़ा पर्पज होता है सीखना और सिखाते रहना तो तुम्हें मैं सिखा पाऊं कि देखो कैसे मिथ्स बहुत ज्यादा फैलते हैं लोगों के पास नॉलेज कम होती है वो मिथ वाले फैक्ट्स मिथ ज्यादा रहते हैं पता नहीं होता उनको और जिस वजह से वो दूसरों को भी गलत गाइड कर देते हैं और जिस वजह से तुम्हारे ऊपर ड्रॉप ईयर में बहुत ज्यादा गलत प्रेशर आता है तो इस स्टूडेंट का पहले तो मैं नाम बता दूं इसका नाम शैवी है और वन ऑफ माय मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इस की अपनी जो रैंक थी वो थी ट्वेल्व थाउजेंड से फिफ्टीन थाउजेंड के अराउंड समथिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट पहली बार बट इसे पसंद नहीं था कि वो इस रैंक के साथ आईटी की किसी सीट को ज्वाइन करे तो मुझे याद है कि स्टार्ट मैंने जैसे कि अभी आपको मैंने समझाना शुरू किया है वैसे मैंने उसे भी समझाया था कि ये तो प्योरली तुम्हारी चॉइस होती है कि तुम अपने आप को कैसे देखते हो तुम्हारे ऊपर घर वालों का प्रेशर रहेगा फाइनेंशियल प्रेशर रहेगा दस तरह के प्रेशर रहेंगे बट जिंदगी तुम्हें एक बार मिली है हमें सात जन्मों के बारे में बताया तो जाता है पता नहीं होता हमें बट इस जन्म का पता है तो इस जिंदगी में हमें पता है कि यार जिंदगी जीनी है और खुद को समझाना है बताना है कि क्या मैं सच में डिजर्व करता हूं कि नहीं बेटर इस लाइन में इस थाउट के थ्रू जो तुम कहते हो ना खुद को खुद से सवाल करते हो बेटर और नॉट उससे तुम्हारी अपनी थाउट्स की क्लैरिटी आती है खुद को तुम समझ पाते हो खुद पर यकीन कर पाते हो जब तुम खुद को समझ पाते हो खुद पर यकीन कर पाते हो खुद की कैपेबिलिटीज को समझ पाते हो तो रिजल्ट ये होता है जैसे इसके साथ हुआ कि इसने जब ड्रॉप लिया तो ड्रॉप लेने के बाद देखो ड्रॉप ईयर में भी बहुत सारी गलतियां होती हैं और इसका एग्जाम्पल मेरे उन स्टूडेंट्स में से है जिनकी जो फाइनल रैंक जो रही है वो मेरे लिए बहुत हार्ड ब्रेकिंग रही है जहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो थाउजेंड के अंदर आएगी उसकी रैंक थाउजेंड के अंदर नहीं थाउजेंड से ऊपर 2000 के अंदर नहीं 3000 के अंदर नहीं 4000 के अंदर भी नहीं उसकी रैंक अबाउट कुछ 4000 प्लस में थी समथिंग फाइनली ड्रॉप ईयर के बाद मेरे लिए शॉकिंग था वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हालांकि देखो जो जनरली क्या होता है एडवांस के दिन जब आप पेपर दे कर के आते हो तो यूजली मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता मैं पर्सनली अपने बारे में बता रहा हूँ मैं बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना चाहता कि तुमने कितनी गलतियाँ की कि और कितना बनाया और कितना नहीं बनाया तुमको याद होगा कि जब तुम आ, मेरे साथ क्वेश्चंस शेयर करते हो जे मेंस के क्वेश्चन शेयर करते हो उस टाइम पर भी मैं तुमको बार बार कूल डाउन कराता हूं कि देखो तुम उसे क्वेश्चन शेयर कर रहे हो दैट डजेंट मीन कि तुम ये सोच रहे कि मुझसे इतनी गलतियां हुई इतनी गलतियां हुई तुमको भूल जाना है जो हो गया जो अब कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है तो ये जो तुम देख रहे हो ना रैंक ये इसकी किस वजह से आई थी ये भी बता देता हूं मैं क्योंकि तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है कि तुम क्या करने लगते हो रैंक से जज करने लगते हो ओनली आई नो दैट के शिवजा अंडर 500 वाली रैंकर ओनली आई नो दैट बिकॉज के पर्सनल मेंटरशिप मैं नहीं की हुई थी और मुझे पता था बट जब ओ में आप मार्क करके आ जाते हो अभी तो चलो आप ऑनलाइन कर रहे हो बट 2018 से जो एडवांस ऑनलाइन हुआ है 2018 से पहले की कहानी है तो मुझे मैं अगर बताऊं 2016 की बात होगी सो so, ये जो तुम रैंक देख रहे हो वो उसकी सिर्फ उस गलती की वजह से है जो ओ में एंड वापस बोल रहा हूं ओ 2018 से पहले की बात है क्योंकि कुछ बहुत ही लोग आते हैं नेगेटिव माइंड वाले उनको पता ही नहीं होता खुद और वो निकला करके चले जाते हैं कैसे मिला ऑनलाइन होता एग्जाम तो से पहले की बात है तो MR में जो शुरुआत के क्वेश्चन के आंसर्स थे उसने शुरू के छ से आठ क्वेश्चन के आंसर जो है गलत लगा दिया वो हो जाता ना ऊपर नीचे तो अब अगर शुरू के क्वेश्चन के मार्किंग हो गए वैसे मतलब अगर तुम्हें करना था मार्क एक से लेकर के आठ का आंसर तुमको मार्क करना था बट तुमने कर दिया तीन से ग्यारह का तो तुमने और भी क्वेश्चन खराब कर लिए ना अपने? समझ रहे हो तो बताओ इस तरह से इस वजह से फाइनली उसकी रैंक ये आई अब जरा सोचो कई सारे निगेटिव माइंड के लोग होते हैं जो ये बोलते हैं साल भर लगाया भी फिर भी टॉप रैंक आई नहीं और दैट कि स्टिल ये बहुत अच्छी रैंक है इसलिए बहुत अच्छी रैंक है मेरे टाइम पर मेरी जो अपनी रैंक थी क्लोज यही थी और वो सबसे बेकार रैंक थी मैं सबसे लास्ट में तो नहीं था बट ऑलमोस्ट था लास्ट में जिसमें कुछ नहीं मिला बट पता है हमें कि कितनी डिसेंट रैंक कितनी बेहतरीन रैंक है आज के टाइम पर भी। और जरा अब तुम बताओ मुझको कि इस स्टूडेंट को क्या मिला होगा आगे ब्रांच में कोई सीएस तो नहीं मिली इसे मिला आईटी टी रूड़की में मेटलर्जिकल यू छूट गया तो आईटी टी रूड़की में मेटलर्जिकल एंड आज के टाइम पर मुझे तो लगता है कि आज के टाइम का क्या मैं और पहले का ही पैकेज बता रहा हूं अभी क्या होगा नहीं पता बट इमेजिन क्या कोई फर्क पड़ा क्या इससे फर्क पड़ा क्या इससे फर्क पड़ा क्या इससे फर्क पड़ा आप बताओ आंसर करो किस बात से फर्क पड़ा है फर्क पड़ा है एक बात से और वो बात ही कि आई डिजर्व बेटर इसके अलावा किसी और बात से फर्क नहीं पड़ा तो लोग आएंगे तुम्हें बहुत निगेटिव एनर्जी देंगे घर परिवार वाले ये कहेंगे तुमसे कि साल बर्बाद मत कर उसमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं कि यहां पर आकर के ये साल बर्बाद करना नहीं होता है ड्रीम्स पूरे करना होता है गोल्स पूरे करना होता है और जब इस छोटी से एज में जब तुम बड़े ड्रीम्स पूरे करते हो ना तो तुम जस्ट इमेजिन करोगे तुम आगे चल करके क्या से क्या कर सकते हो तो ये पेरेंट्स को इससे नहीं पता क्योंकि भाई उनकी कोई काउंसलिंग नहीं हुई है उनकी कोई गलती नहीं है इसमें बट तुम्हें तो मैं बता रहा हूं तुम्हें तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम में से भी कई सारे लोग हैं जो पिछले साल इसी टाइप के कंफ्यूजन में थे बट आज वो खुद भी पॉजिटिव होते हैं अपने फैसले को लेकर के उनकी कहानी तुम कुछ महीने बाद सुनने वाले बट ऑल इन ऑल बताना ये चाह रहे हैं कि देखो घर परिवार नॉलेज नहीं रखता इस बात की कि ड्रॉप करने से क्या फायदा, क्या नुकसान है मैं यहां पर कोई ड्रॉप करने का मोटिवेशन नहीं दे रहा मैं बार बार कहता हूं कि दो रास्ते होते हैं जिंदगी में एक सही और एक आसान आसान क्या होता है ड्रॉप ना करना ड्रीम्स को चेस करना छोड़ देना गिवअप कर देना घर वालों को ऐसा फील होता है कि एक और फाइनेंशियल बर्डन एक साल का आएगा वो गलत भी नहीं है तो आसान रास्ता ये निकलता है कि ड्रॉप ना करो सही रास्ता यह है कि पहचानो कि तुम क्या चाहते हो तुम्हारे अपने ड्रीम्स क्या गोल्स क्या तुम क्या चाहते क्या हो और तब जब, जब कि तुम अपने आप को पहचानते हो अपनी आवाज को सुनते हो अगर तुम अपने आप को समझ पाते हो किस आई डिजर्व बेटर तो अपने आप को समय दो ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं मैं अभी एक एग्जाम्पल सुना रहा हूं आई टी का ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं और आज तक मुझको ऐसा दिखा नहीं कि किसी ने ड्रॉप किया और किसी को नुकसान हुआ मैंने तो डबल ड्रॉपर्स भी देखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें तो तुम्हारी एज ऐसी है ना कि जिसमें फर्क नहीं पड़ता और खास करके यार जब तुम ट्वेल्थ के बाद एक साल ड्रॉप करते हो आई जाते हो यार कोई पूछता तक नहीं है कि तुमने ड्रॉप किया था क्या कोई पूछता तक नहीं है अब जो बार बार जो सबसे बड़ा फैसला आता है जैसे कि देखो शैलेंद्र लिख रहा है चैट बॉक्स में कि सर मैं ड्रॉप करना चाहता हूं बट पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं तो अभी मैंने उस पॉइंट को रिपीट किया फिर से बोल रहा हूं पेरेंट्स को यह दिखता है यह कंफ्यूजन दिखता है कि अगर वो एक फाइनेंशियल बर्डन लेते हैं फिर से तो उसका आउटपुट क्या आएगा वो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसका रिटर्न क्या आएगा तो देखो दो चीजें हैं तुम अभी इस साल भर का वो फाइनेंशियल बर्डन लो और यार देखो तुम फाइनेंशियल बर्डन नहीं भी ले सकते हो। तुम चुपचाप घर पर घर पर रहना तो पेरेंट्स अलाउ कर सकते हैं और घर पर रहने के साथ साथ खाना तो अलाउ कर ही सकते हैं तो खाना और रहना अलाउ कर सकते हैं तो तुम तो यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो पॉइंट ये है कि तुम अगर सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करते हो बिना किसी बैच के तो तुम डिस्ट्रैक्टेड बहुत होते हो और तुम खुद से ये सोचने लगते हो कि तुम एक ड्रॉप करने वाले इंसान हो तुम्हारा साल बर्बाद करने वाला है तुम्हारे दोस्तों ने तो कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया और तुम्हें बहुत सारे लोग लोकल के बताएंगे कि देखो ना लोकल का वो कॉलेज भी तो अच्छा था वहां ले लेते साल बर्बाद क्यों कर रहे हो उन्हें पता ही नहीं कि साल तो यूं बीतता है और इंजीनियरिंग के बाद ये प्लेसमेंट के बाद इस जॉब के टाइम में कुछ पता भी नहीं चलता फर्क ही नहीं पड़ता कि तुमने इस टाइम पर ड्रॉप किया था कि नहीं किया था हाँ ये भी होता है कि तुम इसी तरह से रिश्तेदारों और दूसरे लोगों की निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहो तुम फोकस्ड वे में पढ़ाई ना करो रिजल्ट वापस ये हो जाए ऐसा भी होता है कि लोग ड्रॉप करने के बाद और गंदा रिजल्ट बना देते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि तुम किसी मेंटर के साथ नहीं होते हो मेरी नज़र में ड्रॉप ईयर में मेंटरशिप और बड़ी चीज़ हो जाती है क्योंकि ड्रॉप ईयर में तुम खुद को यह सोचने लगते हो कि तुम अब एक्सपीरियंस्ड बंदे हो तुम्हें किसी मेंटर की जरूरत नहीं है इसी वजह से टॉप रैंक बनाना मुश्किल होता है बाकी इस स्टूडेंट के जैसे गलतियां हो जाना ओ में ऊपर नीचे आंसर मार्क हो जाना यार वो तो वन इन थाउजेंड होता है भी नहीं, in, uh, होता होगा, होता होगा। तो बहुत रेयर टाइप की गलतियां हैं बट तुम्हारा ये इशू कि पेरेंट्स तुमको मना कर रहे हैं वो एक्चुअली मैं रियल इशू नहीं मानता क्योंकि पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बिलीव देखते हैं तुम्हारे आंखों में विश्वास जानना चाहते हैं वो विश्वास देखना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं कि तुम अपने लिए अच्छा चाह रहे हो कि नहीं और अगर तुम मुझको ये देखो बहुत सारे स्टूडेंट को जब मैं ये बोलता हूं ना कि तुम उनको बताओ कि यस यू डिजर्व बेटर और तुम अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो बताए ज्यादातर लोगों का रिप्लाई क्या होता है कि सर उनको भरोसा नहीं है मुझ पर हाँ तो भरोसा नहीं है तो भरोसा दिलाओ ना वो ट्रस्ट बनाओ ना ट्रस्ट तो अपनी फाइट से बनाओ ना रूम में बंद बंद होकर पढ़ो ना दो हफ्ते बताओ ना कि मैं पागल हूं पहले नहीं था पागल तो अभी पागल हूं मैं अभी मुझे पढ़ना है पहले नहीं किया बट अभी करना है बस और आपके प्यार की जरूरत अभी सबसे ज्यादा है ये तुम ही हो जो कर सकते हो अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे बदले कोई टीचर आकर के उनको समझा दे जो तुम्हारे बदले कोई तुम्हारा दोस्त आके समझा दे तुम्हारे रिश्तेदार आकर के समझा दे वो नहीं होता है ना आज तक हुआ है ना होगा आगे वो डिसीजन तुम्हारा खुद का होता है और तुम्हें वो पेन लेना पड़ेगा वो पेन तुम कैसे लोगे उसमें कुछ मैं सपोर्ट कर सकता हूं पर्सनल लेवल पर अगर तुम डिस्कस कर पाए मुझसे तो कई सारे स्टूडेंट ये भी ऑप्शन निकालते हैं कि काम करते हैं। सर पार्शियल ड्रॉप ले लेते हैं और कॉलेज में पढ़ते हैं और साइड से ना मैं कुछ ऐसा कर लेता हूं कि कुछ पैसे मेरे पास आए किसी को मैं पढ़ा लेता हूं, सुनते जाना आप चीजें कैसे कैसे कॉम्प्लिकेट करते हो क्या क्या थाउट्स नहीं आते हैं कहानी यहीं पर बर्बाद हो जाती है जैसे ही आप ये सोचने जाते हो ना सर ऐसा कर लेते हैं मैं अगले साल आई दूंगा लेकिन मैं पहले पार्सल ड्रॉप ले लेता हूँ एक जगह एडमिशन ले, ले लेता हूँ कॉलेज में पैरेलली कुछ इनकम का सोर्स बनाता हूँ पाँच दस हज़ार रुपये कुछ आने लगे मुझको पढ़ा वढ़ा करके जो बचा हुआ टाइम है उसमें मैं यही के लिए पढ़ूंगा और पढ़ करके मैं पास करूंगा और साबित करके दिखाऊंगा दोस्त नहीं होता ऐसे ऐसा नहीं होता है पार्शियल ड्रॉप करना बहुत ज्यादा टफ चीज़ है बहुत ज्यादा और नेक्स्ट लेवल ऑफ डेडिकेशन लगती है उसमें में से कुछ लोग बैठे हुए यहाँ पर जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप किया है मेरे जानने में भी किया हुआ है और मुझे ही पता है कि वो कितना टफ होता है उन पर तो तुम अपने चांसेस वैसे ही खत्म से कर देते हो तुम बहुत ज्यादा फाइट करोगे एक टाइम आएगा कि तुम टूट भी सकते हो

तुम अगर मुझसे बातें सुन करके तुम समझ भी गए तो तुम्हारे साथ हो सकता है कि तुम्हारे क्लासमेट जो तुम्हारे साथ साथ जो जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा तुम किसी बैच में अगर होगे तो उनके इन्फ्लुएंस में आकर के तुम कुछ गलतियां कर बैठते हो जो सबसे बड़ी गलती जो ड्रॉप ईयर में तुम करते हो वो है तुम सुनते नहीं हो टीचर की और वहीं ट्वेल्थ वाले वो पहली बार यही देने जाते हैं वो टीचर की सुनते रहते हैं परफेक्ट गाइडेंस के साथ चलते हैं और वो टॉप रैंक बना देते हैं पास तो आप भी करते हो ट आप अपनी फिर ज्यादा सुनते हो एडवाइस यह है कि ड्रॉप ईयर में यह काम नहीं करना है टीचर के साथ चलना है बिहेव करना है एज अ क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट भूल जाना है कि तुम ड्रॉप ईयर में हो घर वाले कहते हैं ड्रॉप नहीं करना है आंखों में कॉन्फिडेंस दिखाओ तुम बार बार यही कहते हो मुझसे कि सर मैं उनको कैसे समझाऊं तुम ही समझाओगे मैं नहीं समझाने वाला समझा सकता हूं मैं समझाना क्यों है मैं क्यों समझाऊं गोल्स तुम्हारे सपने तुम्हारे नौकरी तुम्हें लेनी है तुम्हें मोहल्ले वाले को बताना है कि तुम अच्छे कॉलेज से हो अच्छे कॉलेज में जा रहे हो और पापा के सामने जाकर के मैं समझाऊं ये चलो कुछ केसेस में मैं समझा भी देता हूं बट क्यों है हमारी जरूरत तुम्हें जब बचपन में किसी चीज की जिद होती थी कैसे जिद्दी बनते थे तुम अब वो जिद्दी इसीलिए नहीं बन सकते क्योंकि पढ़ाई है रैंक की बात है सर भरोसा नहीं है उनको हम पर तो भरोसा बनाना होता है ना बनाओ भरोसा अभी तक नहीं है तो अब बनाओ तुम्हें किस बात का डर है तुम तुम किन से बात कर रहे हो उन्हीं से उन्हीं के सामने ट्रस्ट बनाना है जिन्होंने जन्म जन्हों दिया है वही मां बाप है उनके सामने ट्रस्ट बनाना है बट वो सारा प्रोसेस तब होता है ना जब खुद तुमको अंदर से खुद फील होती है कि यार आई डिजर्व बेटर एंड आई हार्ड तो पहले वो फील अपने अंदर डालनी पड़ेगी आई डिजर्व बेटर ना ये वो मंत्र है जो एक्चुअली सेल्फ बिलीफ और सेल्फ लव का रिसोर्स है वो सेल्फ बिलीव सेल्फ लव ये सब कनेक्टेड चीजें हैं और वहीं से वो आवाज आती है आई डिजर्व बेटर वही बापा मुझे इसलिए करना है क्योंकि आई डिजर्व बेटर अब बात आती है फाइनेंशियल इशूज की वो एक जेन्यन इशू है आपके पास ऑप्शन पूरा है फ्री रिसोर्सेज ढेरों प्लेटफॉर्म पर भरे पड़े हुए हैं अपने प्लेटफॉर्म पर भी भरे पड़े हुए पूरी तरह से आप पढ़ सकते हैं लास्ट में जाकर के एक लव्य है ही है जई एडवांस के लिए उससे पहले मेंस के लिए पूरा सपोर्ट रहता ही है कोई क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं जिसमें कि आप पैसे कम से कम देकर के ज्वाइन कर सके बट जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो किसी ना किसी बैच में जाए किसी ना किसी बैच में अपने पास आक्रोश बैच है जिसमें कि मैं और भाई हैं लेकिन मैं सिर्फ वेदांत प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर आपको कहीं भी लगता है मैं एक बहुत स्टर्न सपोर्टर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ एक बैच में रहने का आप जब बैच में नहीं रहते हैं आप बहुत जिग जैग वे में काम करते हैं बहुत ही फैलाया हुआ काम करते हैं अनऑर्गेनाइज काम करते हैं और कहानी खराब करते हैं तो एक बैच में रहने की कसम खाइए और बैच में टीचर के हिसाब से चलिए आप बैच में भी ना बहुत नौटंकिया करते हैं ड्रॉप ईयर में नहीं सुनते हैं और नहीं सुनते हैं तो उसका नतीजा बाद में देखने को मिलता है बहुत गलतियां करते हैं क्यार वो तो हम सुधार देंगे बट पहले आपको ये स्टार्ट लेने का जो स्टेप है ना आपका वो आपको सही करना पड़ेगा स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी खुद को खुद को बार बार बताना पड़ेगा सुबह से शाम तक आई डिजर्व बेटर आई डिजर्व बेटर मैंने दो शॉर्ट स्टोरी सुनाई है एक स्टूडेंट की आई टी रूड की से गोल्डमैन सैक्स में है और एक उस बोल्ट की रियल लाइफ एग्जाम्पल लोग बैकग्राउंड नहीं जानते लोग तो सिर्फ सक्सेस देखते हैं तो तुम भी ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहे हो एक और बात यार सिर्फ हुसैन बोल्ट की बात क्या करें अब बात कीजिए सचिन तेंदुलकर की बात कीजिए किसी भी भारतीय खिलाड़ी की बात कीजिए किसी भी इंडियन पर्सनालिटी की ऑलमोस्ट सबके साथ यही बात है कि उन्होंने अपने फील्ड में अच्छा इसलिए किया क्योंकि उन्हें चाहती कि और अच्छा करें उन्हें यह फील थी कि आई डिजर्व बेटर भैया अगर इस मैच में अगर हाफ सेंचुरी है तो अगले मैच में तो सेंचुरी मारनी है सेशन का सार यही है कहानी शुरू से आखिर तक जिंदगी में प्रोग्रेस करने की इसी मंत्र से चलती है कि यार आई डिजर्व बेटर मुझे और अच्छा करना है मुझे और अच्छा करना है इसे एक हजार तक पहुंचाओ फटाफट खुद को खुद के माइंड को ये बताओ कि आई डिजर्व बेटर एंड मैं हर वो कोशिश करूंगा जिससे कि मुझे और बेटर चीजें मिल सके और ये कोई बार बार कह रहा हूं कि ये ड्रॉप करने से रिलेटेड ही नहीं लाइफ के हर फेज के लिए ये तुम जिस समय को ऐसा सोचते हो ना कि ये समय मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं या फिर वो साल बर्बाद हो रहा है ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है लोग अजीब सा परेशान से रहते हैं एंड घर परिवार वाले तो बेचारे इसीलिए सोचते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक साल का और फाइनेंशियल बर्डन आएगा बट अभी के टाइम पर रिसोर्सेज इतने हैं कि तुम फ्री में भी पढ़ सकते हो कम पैसे में भी पढ़ सकते हो लेकिन तुम्हारे पास अगर ना ऐसे पैसे इतने पैसे हैं कि तुम खर्च कर सकते हो तो रिसोर्सेज अच्छे से अच्छे लेने क्योंकि यकीन मानो तुम्हारे जब रिजल्ट आते हैं ना तो लोग नहीं सुनना चाहते कि तुमने पढ़ाई कैसे की थी कम रिसोर्सेज से की थी या अच्छे रिसोर्स से की थी तुम ज़रा सोच करके देखो ना समझ रहे हो मतलब मैं किसी स्टूडेंट की तुम्हारे सामने रैंक बताऊं या सोचो कि लोग मुझसे जब पूछते होंगे या किसी से भी तुम देखो किसी की भी कहानी जब तुम सुनते हो कि किसी ने एक हजार रैंक बनाई किसी ने पांच सौ रैंक बनाई तो तुम पहले ये देखते हो कि अच्छा उसने ना पांच सौ रैंक बनाई है तो उसे सीएस कहीं ना कहीं मिल सकता है तुम पहले रैंक से रिलेट करके उसको जज ज़्यादा करते हो और ये तुम कम सोचते हो कि उसको रिसोर्स क्या मिला था नहीं मिला था किसी स्टूडेंट ने अगर पाँच हज़ार रैंक बनाई तो तुम उसकी रैंक देख करके बोलते हो यार इसको तो CS तो नहीं मिलने वाला <coughs> तुम यही जज करते हो ना कि तुम ये सोचते हो कि उसने पाँच रैंक विदाउट रिसोर्स बनाई थी खुद से पढ़ के बनाया था या किसी कोचिंग या किसी मेंटरशिप में बनाया था ऐसा सोचते हो नहीं सोचते हो तो दुनिया वो सब नहीं सोचने वाली दुनिया तो फाइनल रिजल्ट देख लेती है उसके बैकग्राउंड में जो तुम फाइट लड़ते हो ना वो सिर्फ तुम जानते हो तुम्हारे साथ जितने लोगों ने वो लड़ाई लड़ी है वो जानते हैं ये पॉइंट है। तो तो इसीलिए तुमको जब मौका मिले भाई तो रिसोर्सेज में तुमको लगता है कि खर्च कर सकते हैं तो चूकना नहीं है बाकी तो यार घर वाले अगर बताते हैं कि ये कंस्टेंट है और इतना ही खर्च कर सकते हैं और इतने ही पैसे हैं तो बिंदास उसके हिसाब से ही काम करना ऑब्वियसली समझ गए बागे आप में से किसी को अगर अपने इस जो भी आपको लर्निंग अभी दी है उससे रिलेट करके आपको कोई क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए बट आई वॉन्ट कि आप बस हमेशा ऐसे ही रहिए हथौड़े से तोड़ डालिए इस कांट वाले वर्ड को मैं दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता या फिर मेरे से ये पॉसिबल नहीं है इस कांट में जो टी है उसको हटा दीजिए तोड़ डालिए हथौड़े से

मुझे तो करना है मुझे तो वो टाइम लाना है जबकि मैं जो है एम पर बिल्कुल एक्जैक्टली हिट करूंगा और इसके लिए मुझको फिर से ट्राई करना होगा समझे और ये लाइफ के हर फेज की एडुकेशन है ऐसा नहीं है कुछ भी कि ये एडुकेशन जो है तुम्हारे वो बार बार कह रहा हूँ कि तुम्हारे जेई के लिए मैं हर जेई की प्रिपरेशन के हर फेज को रिलेट करने की कोशिश करता हूँ जिंदगी के दूसरे फेजेस से रियल लाइफ फेजेस से और भाई तुमको लर्निंग लेनी भी चाहिए जय की प्रिपरेशन से कि यार जई की प्रिपरेशन में सिखाते यही है कि अभी अगर कम उम्र में ये टफ काम कर लेते हैं ना तो आगे तो यार आगे बुढ़ापे में भी और बड़े बड़े काम करेंगे ये चीज सीखने को मिलती है समझे अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहिए ट्रबल्स पे कम ध्यान दीजिए ये चीज वो विक्टिमाइजेशन से रिलेटेड है आप ट्रबल्स को बहुत ज्यादा काउंट करते हैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कम करते हैं आपके साथ जो चीजें हैं जो रिसोर्सेज आपको मिले हुए हैं उनमें खुश रहिए उसी में फाइट कीजिए सबको उसी में फाइट करना होता है लेकिन आप ट्रबल्स को ज्यादा काउंट करते हैं कि मेरे साथ ऐसे बुरा हो गया मेरे साथ वैसे बुरा हो गया मेरे साथ ऐसे कमियां मेरे साथ वैसे कमियां वो नहीं करना है इसे समझिए एंड यस रफ रोड है बट ऑब्वियसली हाइट ऑफ ग्रेटनेस जो है वो रफ रोड से ही नापी जाती कभी भी किसी भी नाविक के बारे में कहानियां तभी सुनाई जाती है जबकि वो तूफानों से निकाल के लाता है कश्ती को ऐसे नहीं कि बस शांत समंदर से नाव को पास करके लेते आए उनकी कहानी सुनाई वाह क्या नाविक है एकदम मस्त नाव को निकाल करके लाए हैं शांत समंदर से ड्रीम <laughs> कीजिए और कोशिश कीजिए अचीव करने की बट हमेशा याद रखिए कि इमोशंस के सामने घुटने मत टेकिए समझे ये इमोशंस जो है वो आपके ऊपर अगर डोमिनेट किए तो गड़बड़ हो जाएगा आपको इमोशंस पर डोमिनेट करना है तो इमोशंस होते हैं अभी बहुत सारे और वो निगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं जिनमें कि निगेटिव इमोशंस की बात में बार बार कह रहा था कि यार घर परिवार वाले कई बार बोलते हैं ये सब चीज़ें को मत कर ड्रॉप दोस्त बोलते हैं जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि डरते हैं आज से 20 साल पहले भी डरते थे 10 साल पहले भी डरते थे 5 साल पहले भी डरते थे आज भी डरते हैं वो चीज़ हमेशा रहेगी क्योंकि लोगों के पास अभी वो उनकी काउंसलिंग नहीं होती है कि भाई इस ड्रॉप करने के समय से आपका नुकसान आगे आपके प्लेसमेंट में आपके आपकी जॉब में या आपके फ्यूचर में नहीं होता है मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं और तुम बिंदास विश्वास कर सकते हो ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है जिनसे मिला सकते हैं ठीक है तो समझिए बाकी चलते हैं बाय आपको कुछ बोलना है पूछना है तो पूछिए आक्रोश अपना ये रिपीटर्स बैच है जिसमें कि मैं और भाई दोनों हैं और यहाँ पर मुझको बार बार अपनी फोटो बनानी पड़ती है मैं भी हूं इसमें आपको अगर इससे कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो इन शॉर्ट मैं अपनी तरफ से बता दूं कि लाइव बैच है और मैं और भाई तो है ही हैं और ये अब भी जस्ट एक अगस्त से स्टार्ट हुआ है बट इसमें अगर तुम्हारा कुछ छूट भी जाता है अगर तुम मान लो कि अभी तीन चार दिन बाद भी इसमें एडमिशन लेते हो तो भी पर कोई इशू नहीं होता वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं तो वो सब टेंशन मत लेना एंड इस बैच को यार हमने इसीलिए स्पेशली डिज़ाइन किया स्पेशली लिया है अपने हाथों में कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट ड्रॉपर्स को चाहिए होती है मैंने जैसा बोला कि सबसे ज़्यादा मेंटरशिप की जरूरत इनको होती है आपको लगता होगा क्लास इलेवंथ वालों को ज़्यादा मेंटरशिप की जरूरत होती है बट क्लास में ना आप से जब आते हैं ऑलरेडी आदत होती है टीचर को फॉलो करने की तो एक के तक खत्म होने लगती है या यूं कहें आप वो फील करने लगते हो ना मैच्योरिटी आप फील करने लगते होती नहीं है आप फील करने लगते हो कि मेरा तो एक्सपीरियंस हो गया पढ़ना था कैसे खुद से कर लूंगा आप कर सकते हो खुद से बट आप ना बहुत जल्दी बोर हो गए जब आप खुद से करते हो दैट इज वाई मैं सब बार बार स्ट्रांगली पुश करता हूं इस बात के लिए कि बैच में रहना बहुत जरूरी है तुम किसी भी बैच में रहो यूट्यूब के बैच में रहो बट एकदम प्रॉपरली और डिसिप्लिन रहना होगा तुमको मोटिवेशन कहीं लेकर के नहीं जाने वाला वहां तक नहीं लेके जाने वाला जहां तक तुम्हारा डिसिप्लिन तुमको लेकर के जाएगा तो वो बैच से जो डिसिप्लिन आता है ना जो कंसिस्टेंसी आती है ना वो नहीं आ सकती खुद से वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है ऐसा नहीं कि लोग नहीं करते करते बट वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है जनरली बहुत टफ होता है लोगों के लिए तो भाई जनरली ऐसा रिस्की रास्ता अभी तो नहीं लेना है ना फिर ड्रॉप ईयर में तो ये फर्स्ट अगस्त से है और मेरे अपने बहुत सारे प्लान्स हैं ड्रॉप ड्रॉपर्स बैच के कई सारे बच्चों से मैंने डिस्कस भी किया है बताया भी है बहुत स्ट्रॉग बहुत रिजिड है प्लान्स और बहुत अच्छे प्लान हैं बहुत मेहनत के साथ बहुत ही प्लानिंग के साथ बैच को तैयार किया है ये जो फीचर्स तुम देख रहे हो टीचर्स जो तुम जानते हो वो तो बवाल ही है ही हैं उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है एंड फीस जो तुम देख रहे हो उसमें ए लाइव तुम ले सकते हो जिसमें कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं हम रिकॉर्डेड होते हैं बाकी तुम इधर जो देख रहे हो वो लाइव वाले हैं और इसी में कुछ और फैसिलिटीज़ एडेड होती हैं तो ये है जो कि कंप्लीट है मैं बोलूंगा इसी के लिए और मैं जैसा वक्त तुमको बोल रहा था बता रहा था कि यार तुम हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसे के लिए सोचो बट तुमको ये समझदारी दिखानी है देखो अपने खर्चे के हिसाब से या अपने फिनेंस के हिसाब से तुम कोई भी कोर्स ले लो तुम फ्री में यूट्यूब से पढ़ लो बट पहले तो खुद को ये बता लो कि आई कैन डू दिस आई डिजर्व बेटर मैं ये कर सकता हूं और ये करना मेरे को जब तुम एकदम बिल्कुल परफेक्ट माइंड के साथ हो तभी यह चीज शुरू करनी है तुम कंफ्यूज हो दैट मीन गड़बड़ कंफ्यूजन में मैं आंसर को नो ही मानता हूं अगर डाउट है तो चीजें गड़बड़ होगी कहता है ना कि डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन एवर विल फेल्योर से इंसान उतना नहीं बर्बाद होता जितना डाउट से बर्बाद होता है तो डाउट नहीं पहले अपने आप को ये बता लेना कि भैया हा बैच के साथ चलना है फिर अपने पैसे देखने उसके हिसाब से काम कर लेना है बट मैं ये भी बोलूंगा देखो बाद में जिंदगी में अफसोस होता है कि थोड़े पैसे खर्च कर सकते थे क्योंकि बार बार बोल रहा हूं तुम्हारी रैंक कुछ भी आ जाए कोई नहीं पूछने वाला कि तुमने क्या बैकग्राउंड क्या किया तो लोग फाइनली तुम्हारी रैंक देखते हैं और लोग दूसरे लोग तो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं ना वो तो बहुत महंगे महंगे रिसोर्सेज भी यूज कर रहे हैं बट तुम्हें वो चीजें जो तुम्हारी अपने टॉप रैंक के लिए मोर देन सफिशियंट है वो सब यहां पर मिल जाएंगी. टन। इससे इसके बाद तुमको कुछ और अपने से पूछना है, तो बोलो और चलती है दो बजे तक बाकी तो तुम तुम्हारा काम है यहां पर तुमको एक साइड से चीट कोड बता रहा हूं तुमने अगर पहले कभी बैचेस में नहीं पढ़ाई की है तो टीचर के साथ टीचर के पीछे पढ़ करके रहना है याद रखना है कि एक बहुत बड़ा चीट कोड है कि अपने आप को बहुत रिलैक्स रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है टीचर के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा रखना जितने ज़्यादा टीचर्स हैं जितने टीचर से बैच में सबके साथ जितने ज़्यादा टीचर के साथ कनेक्शन होंगे उतना अच्छा है ये चीट कोड है अब तुम कुछ पूछना चाह रहे हो तो बताओ चैट्स हाँ हाँ प्रथम यार ये तो हो गया ना तुम्हारा भाई ने तो करवा दिया ना ये सिर्फ मेरी तो तब तबीयत तब खराब थी तो भाई ने तो ये करवा दिया ना आंसर की अब तुम्हारी आने वाली है ना आज कितनी तारीख हो गई तीन तारीख है तो कल तक तो आ ही जाएगी उम्मीद है आज ही आ जाएगी ना कब है क्योंकि तुम्हारा फाइनल रिजल्ट तो पाँच तारीख तक आने की घोषणा हो गई थी एडवांस ले क्या करना चाहिए एक मंथ के लिए वैसे आपकी तबीयत कैसी है पसीने छूट रहे हैं तो अभी भी हल्का हल्का जो फीवर था वो भी जा रहा है मेंस लेवल पर एडवांस के लिए क्या करना चाहिए एक महीने में आ, देख स्व यही बोलूंगा मैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या होता है एडवांस के लिए कि बहुत ही लिएक्टिव पढ़ाई करना मतलब तुम्हारे तो अगर परसेंटाइल ऐसे हैं कि 96 परसेंटाइल से ऊपर हैं तो तुम एक एकलव्य में आकर के चुपचाप एक लव्य के साथ काम कर लो लेकिन अगर तुम एक एकलव्य में नहीं हो किसी भी रीजन से तो चुपचाप बस सेलेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करो मतलब सेलेक्टिवली अगर मैथ्स में से तुमने अलजेब्रा उठाया है तो ऐसा होना चाहिए कि अलजेब्रा से क्वेश्चन बिल्कुल एडवांस में बने ही बने उस लेवल की प्रिपरेशन हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अच्छी की है तो इस लेवल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी की है कि बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन उस दिन बनेगा ही बनेगा वो श्योरिटी उस दिन चाहिए होती है तुम्हें तो पता नहीं कि किस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट करेंगे और पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम लेगा तो तुमको इतना ज्यादा श्योर होना पड़ता है कि अच्छा इस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन बन नहीं बनने रहे सो दैट के इंडिविजुअल कट ऑफ जा सके और सिलेक्शन हो सके ड्रॉप uh, यीस अभी जस्ट बीस्ट पीछे दिखाया था मैंने जस्ट केस एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर वाला भी कोर्स है 14,000 के आसपास का होगा और जो लाइव वाला है 49,000 के आसपास का एडवांस सीरीज तो चल ही रही है ना कल भाई ने क्लास ली थी और कल मेरी क्लास होगी शायद एडवांस की तो वो चल रही है सीरीज हमने तो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था रिवांशु बस अभी अभी भी पसीने हैं मतलब फीवर है पसीना निकल रहे हैं बट मेरे पास बहुत डिस्ट्रैक्शन है व्हाट शुड आई डू डिस्ट्रैक्शन खत्म करने होंगे देखो तो डिस्ट्रैक्शन तो तब आते हैं ना जबकि गोल्स की क्लैरिटी नहीं होती मनीष या गोल्स के साथ वो अटैचमेंट फील नहीं होता है वो गोल्स की क्लैरिटी नहीं है या गोल्स देखो दो चीजें हैं यार देखो तुम किसी भी काम को तब करते हो जब वो चीज तुम्हारी जरूरत होती है तो पक्का जी एडवांस या एग्जाम्स तुम्हारी जरूरत है या फिर तुम उसे बस कर रहे हो वो चीज जब जरूरत बनती है तो तुम करते ही करते हो सारी चीजें छोड़ करके उसे जरूरत बनाओ अगर जरूरत नहीं है तो वो दूसरे लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं तो वैसे में तो चीजें नहीं बनती हैं मतलब जरूरत बनानी पड़ती है खुद की तो पहले ये ध्यान दो कि इस बात को खुद को समझाओ कि वो जरूरत है कि नहीं तुम्हारी उसे जरूरत बनाओ अगर नहीं है तो और फिर जलवे देखो हाँ जी ले सकते हैं बट पहले आपको खुद को बताना पड़ता है कि लेकर के मैं काम भी करूंगा या नहीं करूंगा है ना क्योंकि मैंने अभी जितनी बात है डिस्कस की आपसे आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है घर परिवार का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है मेंटल प्रेशर तो आपको पहले खुद को बताना पड़ता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता अब मेरे को ये चीज़ चाहिए तो चाहिए चाहिए तो चाहिए वो हिसाब किताब रखना है आपको ठीक है चलिए सेशन को लंबा नहीं करते हैं बाकी बातें आप अपनी चैट बॉक्स में बताइए एंड एक बात के लिए तो आपको आज घूसे पड़ने वाले हैं कि आपने लाइक्स बहुत कम किए हैं तो दोबारा तो मैंने आना नहीं है अच्छी बात करने के लिए आपसे सबके दांत तोड़ने पहले तो अच्छी बातें करने के लिए आना ही नहीं मैंने है ना लाइक्स इतने कम ठोके है ना सबने एकदम एकदम सर तोड़ने का मन कर रहा है देखो ना थाउजेंड तो क्या फाइव हंड्रेड भी नहीं पहुंचे तो दौड़ा दौड़ा करके ना सबको आईडी डी में पहुंचा देने का है <laughs> चलो ठीक है मैं सेशन को अब लंबा नहीं कर रहा बाय बाय बोलते हैं यहाँ पे बीस्ट बाय दिस दिसके बाय हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल ऑर्गेनिक ही होने वाली है आगे निशिल अभी कल जो होने वाला है वो ऑर्गेनिक ही तो है सो चलते हैं एक बार सारे लोग चैट बॉक्स में एक बार यार आई डिजर्व बेटर जल्दी से फटाफट कर दो एटलीस्ट मैं सुकून के साथ जाऊं यहां से आपके ढेर सारे एडवांस सेशन प्लीज जाते जाते एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो दैट इज अ बेटर सो दैट आई फील दैट के आप जिंदगी में अभी नहीं तो कम से कम आगे के फेजेस में तो इसी फीलिंग के साथ और इसी इसी थॉट के साथ इसी माइंडसेट के साथ आगे चलो कि यार आई डिजर्व बेटर मुझे और भी बेटर करना है और भी अच्छा करना है और कभी भी सेटबैक्स मिलते हैं या फिर यार मैं गिरता पड़ता हूं कुछ भी होता है डजेंट मैटर मैं फिर से राइज करूंगा क्योंकि चैंपियंस यही काम करते हैं चैंपियंस यही काम करते हैं और मैंने यही काम करना है मेरे से दो बार नहीं होगा मैं दो बार फेल करूंगा तो तीसरी बार में जरूर जीतूंगा और तीसरी बार फेल करूंगा तो चौथी बार में जरूर जीतूंगा गिव अप तो नहीं करने वाला मैं बिकॉज आई डिजर्व बेटर तो कमेंट्स में भी भरा हुआ दिखना चाहिए मुझको अभी वीडियो बंद करने के बाद प्लीज कमेंट्स में भी यहां तो आपने लिख दिया तो मैं भूल जाऊंगा तो कमेंट्स में जरूर लिख करके जाना अपना कमिटमेंट आई डिजर्व बेटर कमिटमेंट आई डिजर्व बेटर हैश टैग कमिटमेंट आपके ऊपर है कमेंट्स में बाय टेक केयर लव यू थ्री मिलियन मूल्स एंड बैचेस के बारे में तुम्हारे जानने वाले कोई भी होंगे जो ड्रॉप का इरादा रख रहे होंगे माइंड में होगा तो बैचेस के बारे में बता सकते हो और अभी जो बातें मैंने बोली उनके थॉट्स की क्लैरिटी के लिए यार उनके मेंटल सपोर्ट के लिए